नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीवो की तरफ से न्यू फोन आने वाला है जिसका नाम है वीवो जेड टू प्रो। क्या कुछ खास फीचर इस फोन में हम लोगों को देखने को मिलता है और कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए। तो बात किया जाए स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में, डिजाइन इधर बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है जो कि आने वाला है ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ। और दोस्तों साथ में इधर बात किया जाए स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में, स्क्रीन प्रोटेक्शन इधर आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दोनों साइड में इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चले अभी बात करते हैं कैमरे की, कैमरा इधर आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का कैमरा इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चले अभी बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले इधर आप लोगों का 6.4 इंच का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इधर आप लोगों को ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही फास्ट सेट होने वाला है। तो चले अभी बात करते हैं पॉपअप सेल्फी कैमरे के बारे में, इधर आप लोगों का 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही धमाकेदार फोटो आप लोगों को सेम मिलने वाला है। साथ ही साथ बात किया जाए स्मार्टफोन की बैक कैमरा की, बैक कैमरा इधर आप लोगों का 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा इधर आप लोगों को मिलने वाला है जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो बात किया जाए स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, बैटरी इधर आप लोगों का 5000 के आसपास इधर आप लोगों को मिलने वाला है जो कि आने वाला है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और साथ ही साथ इधर आप लोगों का एंड्रॉइड वर्जन क्यू का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। बात किया जाए स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, प्रोसेसर इधर आप लोगों का 730G स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इधर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दिसंबर तक ये फोन आप लोगों को इंडिया में मिल जाएगा जो कि बहुत ही एक अच्छा बात होने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसका प्राइस की, तो दोस्तों प्राइस इधर आप लोगों को मिलने वाला है 20,000 के आसपास जो कि आने वाला है 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ। तो दोस्तों यही था इस फोन का कुछ फीचर। तो दोस्तों कैसा लगा ये फोन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ इसी तरह के खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।